नमस्कार दोस्तों, परिणय छत्रपाल का छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा से महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को इसमें हम देखेंगे क्या क्या उसका मॉडल आंसर की हो सकता है। हमारा यहाँ पर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ लोक साहित्य के विकास का काल विभाजन के अंतर्गत आदिकाल या गुथा काल कहा जाता है। 1100 से 1500 विक्रम संवत इसका राइट ऑप्शन होगा। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भाषा के स्थानीय बोलियों के मिश्रण से बने प्रकार के आधार पर पश्चिमी छत्तीसगढ़ी का रूप है। इसका ऑप्शन ए होगा। दूसरा, ग्रियसन छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति किसे मानते हैं? तो ग्रियसन छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति सौर सैनी से मानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपन्यासों को लेखकों के सम्मिलित करना है। फुटहा कर्म इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हृदय सिंह चौहान, कुल के मर्जात केयर भूषण, मोगरा, शिव शंकर शुक्ल, हीरो के कहने बंशीधर शर्मा। 82 नगर के नामक कविता के रचनाकार कुंज बिहारी चौबे। 1904 में छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह माने जाने वाला कविता कुसुम राइट ऑप्शन होगा। मुकुटधर पांडे। हिंदी वाक्य के सामने से निकल गया, आगूले निकल गेरिस। निश्चयार्थक के भविष्यकाल की क्रिया वाक्य मैं बाहर आऊंगा का छत्तीसगढ़ी रूप बतलाइए। मैं हिटी हूँ। दंतेवाड़ा से प्राप्त 1760 के मिश्रित गद्य लेख में दिक्पाल देव के बारे में बताया गया है, संबंधित है। हिंदी के शब्द यहाँ को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है, यहाँ एकरा एलंग एलंग कहा जाता है। नेक्स्ट जो लैंग्वेज का है जिसमें पूछा गया था हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न, उनका आंसर हम देखेंगे। तेजो राशि संधि है इसमें से कोई नहीं। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है। सामान्य का अनादर। ठीक है दोस्तों, हम यही लड़की किसको दें इसका राइट ऑप्शन होगा, संभाव्य भविष्यकाल का। दोस्तों जो सब में व्याप्त है इसका राइट ऑप्शन होगा, सर्वव्यापी है इसका राइट ऑप्शन सर्वव्यापी होगा। दोस्तों नीचे दिए गए शब्दों के एकवचन से बहुवचन बनाने में किस रूप का परिवर्तन होता है? इसका राइट ऑप्शन होगा आंखें, आंख इसका राइट ऑप्शन होगा। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। दोस्तों स्त्रीलिंग सूचक शब्द है खटमल। दोस्तों तत्सम शब्द नहीं है इसका राइट ऑप्शन सब होगा। दोस्तों निम्नलिखित में अघोर से स्पर्श अल्पप्राण व्यंजन नहीं होगा। दोस्तों इसमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों कटप ये सभी अल्पप्राण में आते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? तो इसका अध्यात्म होगा। इस प्रकार की जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले समय में हम सभी प्रश्नों को अपलोड करेंगे। इसका कटअप किया जा सकता है। तभी जो हमारे टीचर हैं वो बता रहे हैं कि 250 जिसका बना है जनरल कैटेगरी में, 200 अगर हम बात करें 45 के आसपास जिसका आ रहा है ओबीसी कैटेगरी में, और 200 लगभग 10 के आसपास यदि बना होगा ST SC में तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन मान लिया जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट में। जय हिंद।